कोई फर्क हो तो बता देना। तो भाई कोई खरीदना चाहता हो इसे? भाई बस सीधा से देख भाई, 1 किलो कर लो। यार बिल्ली ने कबूतर मार दिया। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज है बड़ी खुशी का दिन क्योंकि आज है मेरा 30 डेज नो शुगर चैलेंज का डे 30 और मैंने पूरा अचीवमेंट कर लिया है इसको। तो चलिए लगाते हैं इसको टिक। ये लग गया टिक। खाकर अपने ड्राई फ्रूट मिलते हैं छत पर वर्कआउट के टाइम। चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार, करते हैं शुरू अपना वर्कआउट। भाई मित्रों ये देखो और बताओ, आज है 30 डेज नो शुगर चैलेंज का लास्ट डे। बैक कोई फर्क हो तो बता देना, कुछ लगा हो तो। मुझे तो लग रहा है भाई एब्स, यार एब्स नहीं है, पर देखो कितना कम हो गया। फैट तो कम हुआ है। हिलने लगा, पहले हिलता नहीं था, टाइट था पूरा। यहाँ पे देखो महसूस हो रही है कि तुम्हें गहराई, ये है अभी धीरे धीरे जाएगा यार, एकदम तो नहीं। 30 दिन में होता क्या है? 30 दिन में बिना शुगर, बाकी कमेंट कर देना, रिजल्ट दिखाई दे रहा हो तो कमेंट कर देना भाई। 30 दिन में बिना शुगर के इतना फैट कम हो गया तो बहुत बड़ी बात है। रेगुलर एक्सरसाइज करी है मैंने, बिना एक्सरसाइज तो कुछ नहीं होता। ऐसे कट देना, हाँ ट्राइसेप्स का। इधर के देखो, ये देखो भाई दोस्तों। तो कमेंट करके बता देना 30 डेज मैंने पूरा कर लिया, व्यू आए या ना आए मैं तो मेरे चैनल पे, लेकिन मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, मुझे बहुत फायदा मिला और कुछ लोग वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं घर पे, हमारी फैमिली में ट्राई कर रहे हैं कितने सारे। तो फर्क पड़ता है इन चीजों का। कब लगाएंगे थोड़ी रनिंग? मैंने इन 30 दिनों में ना अपनी छत का भरपूर फायदा उठाया। तो दोस्तों मैं तो आ चुका हूँ नीचे अपना वर्कआउट कंप्लीट कर। जैसे मैंने आपको बताया आज 30 डेज नो शुगर चैलेंज का मेरा 30 डे यानी कि लास्ट डे था, और मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। देखिए मेरे को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट महसूस हुआ। सबसे पहली बात तो मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो चुका है मेरा शुगर ना लेने से। पहले क्या होता था, मैं कुछ भी खाता था ना, यानी कि थोड़ा सा भी हैवी खा लिया तो ब्लोटिंग फील होने लग जाती थी मेरे को, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने के बाद में थोड़ी 1-2 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है। दूसरा हल्का महसूस होता है, एनर्जी फील होती है, यानी कि ऐसा लगता है थाइयों वाइयों में ऐसे कहीं भी जंप मार के चढ़ जाऊंगा भाई। सब स्ट्रेस नहीं होता अब ज्यादा, होता भी तो फटाफट चला जाता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको रियल चीजें। बट कुछ चीजों के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जैसे टेस्ट के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लाइक कुछ फूड ऐसे जो बिना शुगर के यार बेकार ही लगते हैं, लाइक खीर, खीर तो बकवास ही लगती है। अच्छा दूध वगैरह ये आप पी सकते हो, चाय में भी आप, यानी कि वो चीज नहीं आ पाती। पहले जैसे मैंने शुरू में चाय वाय पी थी तो वो चीज नहीं आ, लेकिन हाँ दूध वूध तो ठीक लगता है क्योंकि दूध में अपनी भी एक मिठास होती है। बाकी मैंने शुगर ही छोड़ा तो कंटिन्यूअसली अपना वर्कआउट करा, छत का ही अपना यूज करा, और बीच में जो मैंने नवरात्रों में प्रोटीन लिया था वो मैंने आपको दिखाई दिया था, एक प्रोटीन और आना था वो अभी तक आया नहीं, एक बार कैंसिल हो चुका। मैंने सोचा इस दौरान मैं आपको दिखा दूंगा, चलो उसका रिव्यू मैं बाद में कर दूंगा। बाकी मैंने अपना हल्दी वाला दूध लिया था, मैं आपको दिखाता था, सारी वीडियोज मेरी देख लेना उसमें आपको पता चल जाएगा। स्प्राउट्स लेता था मैं और हल्दी वाला दूध, सौंफ अश्वगंधा उसके अंदर और सिनेमिन पाउडर, ये सब चीजें डाल के मैं लेता था। और नवरात्रे चले थे तो अंडे वगैरह वो तो बिल्कुल ही बंद हो गए थे, उससे पहले नवरात्रों से पहले, नवरात्रों के बाद में तो मेरे एग्स चलते थे और मेरे जो ड्राई फ्रूट वगैरह वो सब करे, और एक्सरसाइज मैंने करी है। देखो 2 ही डंबल हैं, एक बड़े वाले और एक छोटे वाले, और कुछ है ही नहीं। बाकी बॉडी वेट से कराया, मेरे को तो इम्प्रूवमेंट लगा। अब भाई 30 डेज में अब तुम ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि बिल्कुल 6 पैक्स निकल जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे ही बढ़ता है ये फैट भी बॉडी पर, तो धीरे धीरे ही जाएगा। तो मैं इस जर्नी, यानी कि ये शुगर वाली तो नहीं, लेकिन अपनी एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यूअसली रखूंगा क्योंकि अब मैं इसमें रम चुका हूँ। मेरे एक तरह से बोलते ना
आदत बन जाना, तो वो बन चुके हैं मेरे। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी एक बार ट्राई करो और ऐसे एक गोल बना के करना, क्योंकि उसमें माइंड सेट रहता है। ये सारा गेम ही माइंड का है कि नहीं ये पूरा करना है, ये करना है, वो करना है। आपको आदत बन जाएगी। शुरू में तो यार काफी इश्यूज आएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, हाथ चलेंगे आपके नमकीन उठाने में, ये करने में, वो करने, तो तुम्हें ऐसे रोक के रखना है उसको। शुरू में क्रेविंग हुई थी मुझे मीठे की, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता ही नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। और बाकी आप लोग बताने, क्योंकि मैं तो डेली देखता हूँ, इतना मुझे वैसे नहीं दिखे बॉडी की जो स्ट्रक्चर में, आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि मैं भी सारी फोटोज लगा दूं, अपनी वीडियोस लगा दूं फर्स्ट डे की, फर्स्ट डे और लास्ट डे का देख। फर्स्ट डे मॉर्निंग में जो मेरी पिक थी, और फिर मैंने इवनिंग में भी वर्कआउट करा था, थोड़े दिन मैंने शाम को करा था, फिर मैं मॉर्निंग में करने लगा वर्कआउट, तो काफी अच्छा लगता है। अब सांस वांस भी नहीं चढ़ते, जीनों पे फटाफट चढ़ जाता हूं भाग के, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इम्प्रूवमेंट तो है यार, ऐसी बात नहीं है। अब सोचो इस चीज, पहले थक जाते थे नीचे जाने में, हाँ नहीं करते, पेट में ऐसा रहता था, भारीपन बहुत ज्यादा, डकारे आना, गैस बनना, कुछ भी नहीं है ऐसा। खाते भस्म, अग्नि कुंड जगा दिया इस एक्सरसाइज ने मेरे अंदर का, ऐसा लगता पत्थर भी पचा जाएगा। चलिए अब पीते हम ना दूध भाई साहब, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आज तो नहीं, एक आध आगे वाली वीडियो में दिखा दूंगा, अभी तो यार थोड़ी थकान हो रही है मेरे को, जो मेरा वो आया है प्रोटीन है। हाँ तो वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, एक आध दिन में देख लेना। और भाई कैसा लगा जो भी मैंने करी है जर्नी, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लगा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी कुछ सीखना, और जो एक्सपर्ट है भाई ये भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, अगर जो एक्सपर्ट है भाई लोगों प्लीज मेरे को करेक्ट कर देना, उसमें समझा देना कि भाई ये नहीं आप ऐसे करो, ये नहीं ये ट्राई करो, ठीक है, थोड़ा सा समझाते रहना भाई। देखो मेरा तो माइंड थोड़ा सीखने वाला है, चाहे कोई भी हो, जिसको भी जिसकी भी जो एक्सपर्टीज हो, प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि ये चीज ट्राई करो, आप ऐसे नहीं ये करो, तो मैं करूंगा बिल्कुल। और हाँ एक बात और बताना है मेरे को आपको, कि मैंने दूध जो है ना फुल क्रीम लिया था सुबह शाम, और ऐसे मैंने कोई कंजूसी नहीं बरती, क्योंकि अपना प्रोटीन मुझे पूरा करना था, तो दूध तो मैं सुबह शाम पीता था, रात को भी पीता था सोने से पहले, और दिन में तो मेरा चलता ही था दूध। और मैंने बनाना लेता था भाई, अपना जो खाना वाला घर का खाना होता था वही मेरा चलता था, और बाकी सब कुछ मैंने दिखा रखा है। और भाई कुछ अगर भूल गया हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, आप जाके देख लेना, सारे वीडियोस हैं, सब पे मैंने डेज भी डाल रखे हैं, आप वहाँ देखना, आपको भी काफी कुछ पता चलेगा इस चीज से, और मेरे को तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यही सब था जो मैंने आपको बताया आज के इस लास्ट डे पर, 30 डेज। अब हम जा रहे हैं ठंडे बड़े सिंगाड़े लेने, ठंडे बड़े सिंगाड़े, ठंडे बड़े बोल रहे। और क्या लाना है हमें? भाई मैं बन चुका हूँ, ड्रेस आप मेरी देखो, देखो ग्रीन ये ड्रेस कैजुअल है, येलो पजामा है, और रैपिडो बन चुका हूँ मैं, इनको लेके जाऊंगा, इन्होंने मेरे को बुक कर रखा है, मेरे को पहले वहां जाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, तो चलते हैं अभी बाहर और दिखाते हैं आपको कुछ नजारा। इसलिए मुझे लेने जाना है, चलो चलते हैं फटाफट से यार, नो बकवास और चलते हैं बाहर। ओके तो आज हम जा रहे हैं, क्या ये द वीगो, वीगो ब्याज पे पैसे लेके हमने ली थी ये वीगो, हमने उतार दिए, इसका बॉडी बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, कई साल हो गए। तो भाई कोई खरीदना चाहता हो इसे तो मुझे बता देगा, ठीक है, मैं इसे निकालने वाला हूँ और इतना ही लेने वाला हूँ, मुझे बता दे। और हार्ले डेविडसन वो खड़ी मेरी, हाँ। और एक वो भी हमारी है उधर, और कार गई हुई है, दो तीन गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, तो अब हम चलते हैं। यस यार आप फिर से लग गया जाम यहाँ पे, अब हम दूसरे हिसाब से निकाल लो, इधर से निकाल लो ना, चल देखते हैं। और जी ठीक हो? केले ले लो, सही सही से ले लो, कच्चे मत लेना, वो कच्चे मत ले, कच्चे मत लेना, हाँ साफ। चलो बच्चे बच्चे सिंगाड़े वाले पे है नहीं, इधर देखना, इधर साइड में देखते रहना, बिना छेद वाले हैं, बिना छेद वाले दे, छेद वाले दोनों, बिना छेद वाले दे दो, एक दे दो, निकालियो भाई, 10 रुपए का, 20 रुपए, उसके ऊपर ढककर, और वो भी देना, ठीक सब कुछ देगा भाई, चलो सही है दे दो बाबू, बस सीधा से देख लियो है ना अपने हिसाब से, ये वाला ले ले, हाँ ये ले लो, ठीक इसे पॉलीथिन में कर दो। तो फाइनल हमने ये ले लिया है, हो गया हमारा करवा, बिना छेद का, वो छेद वाले वो करवा चौथ पे काम आते हैं, होई पे काम, अच्छा जोड़ा बना दो, ठीक खुले दे दूँ मैं, ऐसे दे रहा हूँ, हैं आपके पास, चलो दे दो। सिंगाड़े मिल चुके हैं टिक्की वाले के पास में, सिंगाड़े कैसे दिए भैया, आधा किलो कर दो, आधा किलो सही, एक किलो ले लो भाई, एक किलो कर दो, एक किलो कर दो, हम खाएंगे सिंगाड़े, चलो सही है।
इस टाइम पे नहीं खड़ी होती ना टिक्की बताशे वाला, टिक्की वाला इधर बड़े बड़े मिल रहे हैं लगभग, क्या सिंगर नहीं वो मट्टी के। चलो हम लेते हैं फिर, अब ये भी हो गया। अब बताओ क्यों रो रहे थे तुम इतनी बुरी तरह, पहले मेरे तो जवाब चाहिए क्यों रो रहे थे तुम। क्यों रो रहे थे? मन नहीं तर रहा था तुम, तुम्हें तो चाहिए था ना, कुछ चाहिए था ना तुमको? हाँ, क्या चाहिए बताते चाहिए थे? बाबू आराम से मांगते हैं ना, हाँ? लड़ाई नहीं करते बैड मैनर्स। तो लो ओ, इसमें से ले लियो बाबू, आधे आधे लेके फोड़ लेना ठीक है। अब बाहर चलो, बाहर चलो, फोड़ते दिखाओ। आओ भाई आओ, तुम आओ भाई, चलो भाई इधर मेरी तरफ मुंह, ये चलो 1 2 3 ए ए तिस तो दे फोड़ो, फूत मारते तुम फोड़ते दिखाओ जल्दी से। ओ बा भाई आ गया मजा। अरे यार इसे तो देखो, अरे यार फूटा नहीं मैं। हाँ बाबू एक एक करके फोड़ सब, हर्षिल सोनी आपको पॉप पॉप फोड़ के दिखाएगा। एक इसको दो बाहर, छोटे भाई को, एक छोटे भाई को दो फूत मार के जल्दी। चलो फोड़ लो, इसके हाथ में दे दे, मेरी बात ध्यान से सुन भाई। छोड़ तेरे सारे फुस्सी निकल रहे हैं क्या भाई? सारे फुस्सी निकल ले गए तुम्हारे, मार तेज की। ओए होए तूने तो फोड़ दे। और यहाँ पे फोड़ने के बाद ना झाड़ू लगा के जानी है, जो तुम दंद मचा के चले जाते हो, हमारे पैरों में चुभते हैं पत्थर, हमारे पैरों में चुभते हैं पत्थर पत्थर। देखो देखो गुंडिया लग जाएगा किसी के। क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहे हो झाड़ू? तुमने बोला तो मैंने बोला था इसलिए। भूत नहीं है ये, इसको भूत समझता है। वो भूत है क्या? इसकी पिताई कर दूंगा मैं बहुत ज्यादा। मैंने बोला है ना पता दे, फोड़ने के बाद में सफाई करनी होती है। हाँ, तो देख लो भाई साहब ये लगा रहा है झाड़ू, दिखा जा रहा है इधर को शकल। अबे शकल तो दिखा, झाड़ू लगाओ। अबे मेरे मुंह से दूर रख, लगाओ सफाई। अब क्या, मैं तो चला आराम से, तेरी गुंडिया मारा, तेरी तेरी पेंदा मारू, तेरी गुंडिया मारा। मम्मी मम्मी के साथ ताम तरा चल। वो आज बनाए हैं घर में माँ का साग, माँ का साग, और हम कपड़े जचा के खाएंगे। इसमें गिरेंगे भाई मक्खन, फिर खाएंगे इसने चाके एकदम। मम्मी ने बहुत रखा है तो सरसों पालक एंड मम्मी मेथी भी है क्या इसमें? सरसों पालक मेथी बथुआ भी मिल रहा नहीं है ढंग का, मिक्स है इसमें। तो हमने ले लिया अपना गर्म पानी और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर खाकर साग और इसी बात पे करते हैं, और इसी बात पे करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और हमारा 30 डेज नो शुगर चैलेंज हो चुका है खत्म, तो बड़ा एंजॉय किया इस जर्नी को, आगे भी करता रहूंगा, लेकिन शुगर वाला अब नहीं हो पाएगा, दिक्कत आ जाएगा भाई रिश्तेदारी में। भाई यार बिल्ली ने कबूतर मार दिया, अरे कबूतर के पंख है, बिल्ली ने देख क्या हरकत करी है यहाँ पर। यार कौन सा कबूतर है अपने तो, हाँ ये रे एक दो, हाँ ये तो पापा लगा के जाते हैं वैसे, ये जंगली वाला तो नहीं है, जंगली है पैदल से पता चल रहा है। चलो यार इसको उधर करो, बिल्ली ने भाई बहुत आतंक मचा रखा है यहाँ पर।